एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कितने साल मुझे लगे, कितनी बार मुझे फेलियर मिला, कितनी बार मुझे सक्सेस मिली, कौन कौन से एग्जाम्स वगैरह मैंने दिए और लगभग कितने साल मैंने प्रिपरेशन की, कितने घंटे तक मैं पढ़ती थी। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम। यूजुअली ऐसे होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते हैं और बहुत बार आपकी कंप्लेंट्स रह जाती है कि आपने ये नहीं बताया, आप कितने दिन पढ़े थे, आपने ये नहीं बताया। तो मैं पूरी चीजें आज आपको डिटेल में बताऊंगी जो जो मेरी जर्नी में हुआ। इस जर्नी सीरीज की मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने अपनी रिजल्ट की वीडियो दी थी कि मेरे को कौन सी पोस्ट मिली है। उसके बाद फिर मैंने अपना फैमिली रिएक्शन दिया था, मेरे पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था। उसके बाद जो 3rd वीडियो थी, उसके अंदर मैंने अपनी कोचिंग से रिलेटेड, अपने टीचर्स से रिलेटेड, मैंने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मेरे चैनल के ऊपर भी जाके देख सकते हो। माई जर्नी सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कम्प्लीटली, उसके अंदर सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे जो मोस्ट टाइम पे अवॉइड किया जाता है बात करना। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे से। बहुत सारे लोगों ने पूछा आपको कितना टाइम लगा, कितने दिन में आपने प्रिपरेशन की, तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो मेरी पहले वाली वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने 2018 के अंदर अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी। 2018 के अंदर मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की, मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उससे पहले मैं कॉलेज के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, कॉलेज के बाद ही मैंने प्रिपरेशन करने अपनी स्टार्ट की है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद फिर क्या होता है कि एसएससी के एग्जाम्स उस टाइम पे कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे थे बहुत ज्यादा, तो मैंने साथ साथ डिफेंस के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। डिफेंस के मैंने काफी सारे एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स ऑलमोस्ट मेरे क्लियर हो जाते थे, लेकिन जो एसएसपी होती है, जो इंटरव्यू होता है डिफेंस में, एक इंटरव्यू होता है 5 दिन का, उसके अंदर स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट 2 प्रोसेस होते हैं। स्क्रीन आउट 1st डे पे आउट हो जाता है, कॉन्फ्रेंस आउट 5th डे पे आउट हो जाता है। तो उसमें मैं 2-3 बार स्क्रीन आउट हुई, 3-4 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट भी हुई, काफी सारी चीजें वहां से भी मिली मेरे को, एक लर्निंग कह सकते हो, या मैंने चीजें सीखी कि हाँ क्या क्या मैं गलतियां कर रही हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद दोबारा से फिर एसएससी के एग्जाम्स वगैरह होने लग गए थे, सीपीओ का भी मैंने एग्जाम दिया, तो वो भी मेरा प्रोसेस चल रहा था। फिर साथ में मैंने एसएससी सीजीएल 2019 का अटेम्प्ट दिया। एसएससी सीजीएल 2019 वाला जो अटेम्प्ट था, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि मेरा एक नॉन सीरियस अटेम्प्ट था, इसकी वजह से मैं फेल हो गई, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत अच्छे से उस एग्जाम को पढ़ के दिया था, लेकिन उसके अंदर मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। अगर आप मेरे को बोलोगे तो उनके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बात करूंगी। उन गलतियों की वजह से जो मेरा प्री का उसका स्कोर था वो कुछ 150 था, उसके बाद जो मेंस में मेरा स्कोर था वो मैथ्स के अंदर 187.5 था, लेकिन जो एग्जाम था वो ईजीएस शिफ्ट में था। अगर किसी ने सुना होगा तो 18 नवंबर का जो एग्जाम था, तो उसके अंदर फिर मेरे मार्क्स डिक्रीज हो गए थे, तो मैं फाइनल सिलेक्शन में उसके अंदर नहीं पहुंच पाई थी। Tier 3 तक उसमें मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी मेरी गलतियों की वजह से हुआ। ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने तैयारी नहीं की थी, तैयारी काफी अच्छे से की थी मैंने। थोड़े दिन के लिए मेरे को डिमोटिवेशन भी हुआ, जैसे हर किसी को होता है। काफी दिन के लिए मुझे ऐसे भी लगा कि इतनी सारी मेहनत खराब हो गई है, बट एट दी एंड अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत कभी खराब नहीं होती है आपकी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सीरियसली अपना जो 2020 वाला अटेम्प्ट था सीजीएल का, वो दिया। उसके अंदर मेरा सीपीओ का भी साथ साथ प्रोसेस चल रहा था, तो सीपीओ का मेरा फिजिकल क्लियर हुआ था। फिजिकल के टाइम पे मुझे, फिजिकल से पहले ही मुझे चोट लग गई थी, तो वो फिजिकल भी मैंने इंजरी के दौरान ही क्लियर किया था। तो उस इंजरी को रिकवर करते करते मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने कुछ, जैसे मेरा सीजीएल 19 से मैं फ्री हुई, फिर वो मेरे को जस्ट इंजरी हो गई, तो मैंने 1 महीने के अराउंड अपना थोड़ा सा गैप लिया, जिसके अंदर मैंने उस इंजरी को रिकवर किया, चीजों को एनालाइज किया बहुत अच्छे से कि मैं कहाँ कहाँ पे लैग कर रही हूँ, कौन कौन सी चीजें ऐसी हो रही है कि जो मैं गलत कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया इस अटेम्प्ट के अंदर। फिर मैंने बहुत अच्छे से चीजों को एनालाइज करके, बहुत अच्छे से प्लान बना के, बेटर वे में चीजों को स्ट्रेटेजी बना के मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये आप मान सकते हो दिसंबर मिड से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी दोबारा से अपनी, 2020 के टाइम पे, जो मेरा सीजीएल 2020 वाला अटेम्प्ट था।
फिर मेरा एग्जाम हुआ 13 अगस्त को, मेरा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में 2021 के अंदर। जो ये आप कंफ्यूज भी हो जाओगे अगर बहुत नए एस्पिरेंट है कि 21 का 20 में, 20 का 21 में, ये कोरोना की वजह से बीच में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था, वरना तो चीजें और भी जल्दी हो सकती थी। कुछ वो वेंडर चेंज की वजह से टाइम चला गया बीच के अंदर, लेकिन जो भी गया टाइम तो लगा ही ना। अभी फिर उसके बाद 21 में मेरा जो प्री है वो हुआ, प्री के अंदर मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, मोटिवेशन भी मिला मुझे। उसके बाद फिर मैंने अपना मेंस भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, मेंस के अंदर भी अच्छा किया मैंने। मैथ्स के अंदर थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर दी थी जिसकी वजह से थोड़े से मार्क्स उसके अंदर कम रह गए थे। स्कोर कार्ड के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, एक्चुअली मेरे पास है ना अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह है नहीं, मैंने गूगल फोटो भी अपने चेक किए, वहां पे भी मेरे पास बैकअप में नहीं है जो मेरा स्कोर कार्ड वगैरह है। तो अभी मैं उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ एसएससी से, मैं कोई आरटीआई वगैरह, क्योंकि कभी नहीं पता था ना कि ऐसे यूट्यूब के ऊपर आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि हाँ आपके इतने नंबर आए थे। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने स्क्रीनशॉट्स या फिर जो भी है कि मतलब अपना स्कोर कार्ड मैं कलेक्ट कर पाऊँ। जैसे ही मुझे स्कोर कार्ड मिल जाता है मैं आप लोगों को भी शो करूंगी मेरा जो भी फाइनल स्कोर कार्ड रहा है। उसके बाद फिर मेरा पूरा 2020 का प्रोसेस हुआ, मेंस हुआ हमारा 2022 के अंदर जाके। 2022 के अंदर मेंस देने तक मैंने प्रिपरेशन की है। अब देख लो आप, 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2021 के जनवरी तक मैंने अपनी कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना एक टाइप से आप कह सकते हो ऑलमोस्ट छोड़ सा दिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था 31 जनवरी 2022 के को मेरा। तो मुझे ऐसे था कि बहुत जल्दी मेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी, मार्च के अंदर ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेड थी और वो जाते जाते अब नवंबर के अंदर मेरी ज्वाइनिंग पहुंच गई है। तो लगभग 3-3.5 साल आप बोल सकते हो मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। इस प्रिपरेशन टाइम में अब हाँ वो एक चीज रहेगी कि आप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप बोल देते हो हमने 2 घंटे पढ़ा था, सिर्फ 2 घंटे पढ़ के हो गया, 4 घंटे पढ़ा था, 4 घंटे पढ़ के हो गया। तो जो मेरा टाइमिंग्स रहता था पढ़ने का वो लगभग 8-12 घंटे के बीच में रहता था। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि 2 घंटे पढ़ के काम हो कैसे जाता है। 2 घंटे में तो मैं एक मॉक ही लगा पाती हूँ और मॉक तो ऑलमोस्ट डेली लगाते ही है, तो बाकी चीजें कब पढ़ेंगे। और हमारी तो इंग्लिश बिल्कुल मतलब नेगेटिव के अंदर थी, तो हमें तो और ज्यादा एफर्ट डालने थे। तो टाइम भी मैंने पढ़ाई के ऊपर अच्छा खासा दिया है, जॉब वगैरह मैं नहीं कर रही थी, साथ साथ मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की है वो कह सकते हैं बेरोजगारी की है एज ए बेरोजगार। तो आप लोग भी अगर सेम सिचुएशंस के थ्रू गो थ्रू हो रहे हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपका नहीं हुआ, या रिसेंटली कोई एग्जाम दिया आपका नहीं हुआ, तो उससे कोई भी डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है कि सीजीएल 2019 मेरा नहीं हो पाया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये वाला फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया, इसके अंदर मुझे अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट मिली है। तो हाँ चीजें हो जाएंगी डेफिनेटली, अगर अभी नहीं हो रही है आपसे बाय माइट भी आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह रही होगी, आपको भी अपनी चीजों को एनालाइज करना होगा। मैंने तो अपनी गलतियां कर करके अपनी गलतियों से सीखा, क्योंकि बहुत ज्यादा गाइडेंस थी नहीं मेरे पास, कोई सीनियर भी नहीं था ऐसा नियर डियर वन, कोई फैमिली में तो कोई है ही नहीं वैसे ही जो जॉब्स वगैरह से रिलेटेड हो। तो ऑलमोस्ट चीजें यूट्यूब से सीखी या तो या फिर मैंने खुद अपनी गलतियां कर करके सीखी। आप लोगों को ये आप बोल सकते हो कि आपकी एक बड़ी बहन या फिर आप एज ए मेंटोर मुझे ले सकते हो कि जो गलतियां एटलीस्ट मैंने की वो तो मैं आपको पूरी डिटेल में चीजें बता ही दूंगी कि ताकि आप ये गलतियां ना करो। अगर आप कर रहे होगे वो सारी गलतियां तो फिर आप उनको छोड़ के अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन करने में। तो बस मुझे इस वीडियो के थ्रू इतना ही बताना था, अगर आपको टाइम लग रहा है तो ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि किसी को टाइम नहीं लग रहा है, या जिनका सिलेक्शन होता है उनका सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है या कॉलेज के टाइम में ही हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। सबको टाइम लगता है, एफर्ट सबके लगते हैं, पढ़ना सबको पड़ता है, मौत भी सबको आती है पढ़ते हुए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ पढ़ने में किसी को तो बहुत ही मजा आ रहा है बस मुझे ही बुरा लग रहा है पढ़ते हुए। सब कुछ होता है सबके साथ, सब एक ही टाइप के होते हैं, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, वैसे ही अदर टॉपर्स हैं या अदर लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो। वैसे भी सीजीएल 2022 बिल्कुल सिर के ऊपर है, तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहो। मेरे चैनल के ऊपर भी मैं कंटेंट काफी सारा डाल रही हूँ सीजीएल से रिलेटेड, आप वो भी देख के हेल्प ले सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।